हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि आप सबको पता है हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइक्लिक साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स और हमने के लिए डिस्कस किया था वेट हमने लेग्रेंजियन को डिस्कस किया था लेगरेंचन किस किस का फंक्शन था लेगरेंचन वॉज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्यू डॉट एंड टाइम टी

और इस साइड आपका क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो ये जो स्पेस कहलाता है ये कौन सा स्पेस होता है ये होता है फेज स्पेस और कोई पार्टिकल अगर यहां पे मोशन कर रहा है तो इसके पाथ को हम क्या बोलते हैं फेस ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं फेस ट्रेजेक्ट्री ठीक है ये हमारा क्या होता है फेज स्पेस होता है तो जो हैमिलियन हैमिलेज स्पेसियन कहाँ डिफाइंड होता है हमेशा फेज स्पेस में डिफाइंड होता है मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोडिनेट जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम टी ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हैमिलियन होता है वो किस किस का फंक्शन है जनरलाइज कोर्डिनेट का जनरलाइज मोमेंटम का और टाइम टी का तो देखिए एच इज इक्वल टू एच क्यू आई पी आई कॉमा टी जो एच है वो किस किस का फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जनरलाइज मोमेंटम का और टाइम टी का फंक्शन है इस इक्वेशन को आपने क्या रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन ए अब देखिए जब हम लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे हमने देखा जब टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट था टाइम क्या था टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट था तो एक क्वांटिटी हमारे पास निकल के आई थी वो क्वांटिटी क्या थी क्यू आई डॉट माइनस काल ये क्वांटिटी क्या निकल के आई थी ये हमारा हैमिल्टोनियन निकल के आया था तो अब हमने हैमिल्टोनियन को इसके टर्म्स में लिखा है एच इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन पी आई क्यू आई डॉट माइनस काइल इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन बी ठीक है ये आपकी इक्वेशन ए थी ये आपकी इक्वेशन बी थी अब आगे आपको क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस में आपको चेंज लिख चेंज लिखना है ठीक है इन दोनों में जो इक्वेशन में जो चेंज आ रहा है वो आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप स्लाइट चेंज लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं डीएच इज इक्वल टू समीशन डेल एच अपॉन डेल क्यू आई इंटू डी क्यू आई प्लस डेल एच अपॉन डेलपीआई इंटू डी पी आई प्लस डेल एच अपॉन डेल इस इक्वेशन को आपने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट ठीक है नाउ वी नो दैट अब हमें पता है कि हेमिल्टोनियन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है H इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू वन से लेके n pi qi क्यू आई डॉट माइनस का एल अब इसमें भी अब क्या लिखेंगे चेंज लिखेंगे तो चेंज किसके बराबर आया dH एच इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू से लेके n pi डी क्यूआई का डॉट ठीक है पी आई डी क्यू आई का डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका ठीक है इसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है डीएल इस इक्वेशन को आपने लिखा है इक्वेशन सेकेंड अब देखिए इस इक्वेशन में आपको किसकी जरूरत है डी एल की जरूरत है तो लेग्रेंजियन किसके बराबर होता है नाउ एल इज इक्वल टू लेगरेंचिन फंक्शन है क्यू आई का क्यू आई डॉट का और टाइम टी का फंक्शन है तो आपका डीएल किसके बराबर हो जाएगा समीशन आई इक्वल टू वन से लेके एन डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डी क्यू आई प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई का डॉट डी क्यू आई का डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल टी इन टू माई डी टी ठीक है आपने किस किस का चेंज लिखा आपने यहाँ पे जो दो इक्वेशंस निकाली थी ये जो दो इक्वेशन थे इन दोनों का चेंज लिखा

कंजर्व आती है और जब हमने इस क्वांटिटी को इवेलुएट किया था ये किसके बराबर था ये था मोमेंटम के बराबर तो आपने इसको यहाँ रिप्लेस किया डी अपॉन डी टी पी आई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू आई ठीक है ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन बन गई अब देखिए टाइम डेरिवेटिव है किसका पी आई का तो आपने यहाँ लिख दिया इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया आपने पी आई का डॉट इस टाइम डेरिवेटिव को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया तो आपकी इक्वेशन बन गई डेल एल अपॉन डेल क्यू आई ये वैल्यू आपने एज इट इज यहाँ रख दिया और इस वैल्यू को आपने क्या लिख दिया पी आई का डॉट लिख दिया ठीक है तो जो आपका में जो चेंज आया था उसमें जहां पे भी ये क्वान्टिटी थी डेल एल अपॉन डेल क्यू आई वहां पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे पी आई का डॉट रिप्लेस कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बनी सो डीएल इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन डॉट डी क्यू आई प्लस पी आई डीक्यूआई का डॉट प्लस अपॉन इन टू इक्वेशन क्या बन गई इक्वेशन इक्वेशन थर्ड नाउ पुट वैल्यू इन फ्रॉम अब ये जो थ्री थर्ड इक्वेशन आपकी आई थी किसके बराबर है डीएल के बराबर है इस इक्वेशन को आप कहा पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे देखिए ये आपकी इक्वेशन सेकेंड थी इसमें क्या आ रहा था आपका डीएल निकल के आ रहा था और आपने डीएल यहाँ पे निकाल लिया तो इस डीएल की वैल्यू को आप कहा पुट कर देंगे इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनती है देखिए इक्वेशन बनेगी डीएच इज इक्वल टू समीशन आईज इक्वल टू वन से लेके एन पी आई डी का डॉट प्लस qi डॉट डी पी आई माइनस समीशन आईज इक्वल टू वन से लेके एन पी आई का डॉट डी क्यूआई प्लस पी आई डी क्यू आई का डॉट माइनस डेलेल अपॉन डेल्टी इन टू में क्या आ जाएगा डी टी अब इन ये जो दोनों टर्म्स हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी आपका क्या निकल के आ रहा है पी आई डी क्यू आई आ रहा है और यहाँ पे भी ये टर्म निकल के आ रहा है अब ये आपका प्लस है और यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों क्वांटिटीज किसके बराबर हो जाएंगी ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जा रही हैं कैंसिल आउट हो जा रही हैं तो आपकी इक्वेशन बच जाएगी समीशन i इक्वल टू वन से लेके एन क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई का ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ अब देखिए आपका डीएचपी निकल के आ गया आपने डीएचपी दो टर्म्स में लिखा था देखिए आपने हेमिल्टॉन इनको को दो टर्म्स में लिखा था एक बार ऐसे लिखा था और एक बार ऐसे लिखा था देखिये डीएच आपने एक बार इस तरीके से लिखा था और एक बार इस तरीके से लिखा था आपने ये वैल्यू निकाल ली है तो इसमें जो आपकी वैल्यू निकल के आई इसको आप इससे कंपेयर करके देखेंगे और आपकी जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो निकल के आ जाएगी नाउ कंपेयर इक्वेशन वन एंड फोर इक्वेशन वन और इक्वेशन फोर को आपको क्या करना है कंपेयर करना है तो इक्वेशन वन और फोर को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये थ्री इक्वेशंस मिलेंगे दिस दिस एंड दिस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको क्या करनी है कंपेयर करनी है अब देखिए यहाँ पे क्या है देखिए ये वाला टर्म ये जो टर्म है और यहाँ पे जो टर्म है इसको आप देखिए ये क्या है डेल एच अपॉन डेल्टी इन टू मे डी टी और यहाँ पे है डेलेच अपॉन डेल्टी इज इक्वल टू यहाँ पे वहां पे भी डी था और यहाँ पे भी डी था तो किसके बराबर आ जाएगा माइनस का डेल डेल्टी ऐसे ये जो स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स हैं इनको भी जब आप नोटबुक में लिखेंगे उसके बाद आप कंपेयर करेंगे तो आपका रिजल्ट यही निकल के आएगा ये तीन इक्वेशंस निकल के आएंगे और ये तीन इक्वेशंस क्या कहलाती हैमल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है ठीक है जैसा हमने लास्ट अभी तक जितने भी हमने वो पढ़े थे वीडियोस पढ़े थे उनमें हमने देखा कि जो लेगरेन्जी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन क्यू डॉट माइनस का डेल एल अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो क्या थी आपकी लेग्रेजी इक्वेशन ऑफ मोशन थी ठीक है ऐसे जो आपके हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको लिखने को दिया जाएगा तो ये थ्री इक्वेशंस Qi का डॉट इज इक्वल डेल एच अपॉन का डॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल्टी ये आपके क्या हो जाएंगी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी तो आज के लिए बस इतना ही एक बार शॉर्ट रिविजन देख लेते हैं हम पहले कि आज हमने क्या डिस्कस किया ियन होता है वो फेज स्पेस में डिफाइंड होता है और फेज स्पेस क्या होता है ये आपका फेज स्पेस है फिर मैंने बताया कि जो हैमिल्टोनियन है किस किस का फंक्शन है वो क्यू का फंक्शन है पी का फंक्शन है और टाइम टी का फंक्शन है अब ये जो वैल्यू निकल के आई थी ये जब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट डिस्कस कर रहे थे वहां से निकल के आई थी तो अब हमारे पास हैमिल्टोनियन दो टर्म्स में डिफाइंड है तो अब दोनों का क्या लिखेंगे चेंज लिखेंगे तो आपने अगली इक्वेशन में दोनों का क्या लिखा है चेंज लिखा है उसके बाद ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें डीएल का टर्म आ रहा है तो डीएल का टर्म आ रहा है तो आप क्या करेंगे डीएल का टर्म यहां से इवेल्युएट करेंगे इसके बाद जब आपने लेगरेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया कंप्लीट डीएल निकल के आ गया इस डीएल को आप क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में पुट करने के बाद अब आपकी जो इक्वेशन फोर्थ है और जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे आप कंपेयर करेंगे तो ये थ्री इक्वेशन आपको मिलेंगे और यही थ्री इक्वेशन क्या है हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you.